आए अब देखें कि ऑप्शन में जो चेंज आती है उसको कैसे एडजस्ट करते हैं यानी जो ऑप्शन खरीदे हैं आपने उसकी एक प्राइस पे की है तो मार्केट में शेयर की फ्लक्चुएशन से आपके ऑप्शन की प्राइस में क्या चेंज आती है और हाउ टू मैनेज दैट एलिमिटेड परचेज ए कॉल ऑप्शन कॉन्ट्रैक्ट ऑन फर्स्ट ऑफ जनवरी टू टी बी लिमिटेड शेयर आर ट्रेडिड एट रुपीज हंड्रेड पर शेयर यानी ए ने कॉल ऑप्शन ली जैसे मैंने कहा ना जैसे इंडिविजुअल करते हैं इस तरह कंपनियां भी करती हैं तो सौ रुपये मार्केट में प्राइस है द कॉन्ट्रैक्ट गिव्स इट दी ऑप्शन टू परचेज वन थाउजेंड शेयर ऑफ बी लिमिटेड एट एन ऑप्शन प्राइस ऑफ हंड्रेड यानी यहाँ पर प्राइस सौ ही में तय हो रहा है जो खरीदना है दिन एक्सपायर ऑन थर्टी अप्रैल चार महीने के ऊपर ये जा रहा है एलिमिटेड परचेज द कॉल ऑप्शन फॉर फोर हंड्रेड रुपीज अब देखें उसने कॉल ऑप्शन खरीदा है इसमें शेयर वाली बात नहीं आ रही सिंपली कॉल ऑप्शन ही खरीदे हैं उसने और चार सौ रुपये अप फ्रंट पे कर दिए तो ये जो इन्वेस्टमेंट है चार सौ की इसको भी देखना है इट इज़ कॉल ऑप्शन एंड प्रीमियम ये जो चार सौ रुपये आप दे रहे हैं ना इसको हम कहते हैं कॉल ऑप्शन प्रीमियम अब ये कॉल ऑप्शन प्रीमियम क्या है इंट्रीसिंग वैल्यू प्लस द टाइम वैल्यू यानी जो डिफरेंशियल है बाइंग और सेलिंग के प्राइस में वो और प्लस द प्रेजेंट वैल्यू टाइम वैल्यू ऑफ द मनी ये है जो आपको पे करना पड़ रहा है एंड विच इज़ कॉल्ड प्रीमियम तो चार सौ रुपये आपने पे किए और आपको एक राइट मिल गया कि जी आप एक हज़ार शेयर जो हैं वो आप ख़रीद लेंगे सौ रुपये पर By थर्टी अप्रैल 2020, थाउजेंड अच्छा उसने एक्सप्लेन भी किया है इंट्रेंसिंग वैल्यू इज़ द डिफरेंस बिटवीन द मार्केट प्राइस एंड द प्रेजेंट स्ट्राइकिंग प्राइस एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम ड्यूरिंग ऑप्शन टर्म यानी वो जो चार महीने हैं उस दौरान में जो प्राइस है शेयर की उसमें जो फ्लक्चुएशन है उसकी वजह से आपको ये प्रीमियम पे करना पड़ा है ऑन थर्टी मार्च मार्केट प्राइस ऑफ बी लिमिटेड शेयर इज़ वन यानी आपने सौ में खरीदना है मार्केट प्राइस एक सौ बीस की है तो बेचने वाले को आपको एक एक सौ बीस में जो है ना लेकर देना पड़ेगा ऑन फर्स्ट अप्रैल द मार्केट प्राइस गोस्ट वन फिफ्टीन अभी भी देखें आपको पंद्रह रुपये का फायदा हो रहा है एंड ऑप्शन वैल्यू इज सिक्सटी अब यहाँ नोट करें एक पॉइंट कि ऑप्शन जो आपके दो सौ के थे वो अब चार सौ के थे सॉरी वो रह गए सिर्फ आपके पास सौ के तो इसका मतलब यह कि तीन सौ रुपये का नुकसान आपको इस स्टेज पर हो गया कि आपकी ऑप्शन की कॉस्ट यानी ऑप्शन दो सौ चार सौ से तीन सौ पर रह गई और मार्केट प्राइस शेयर की जो है वो कम हो गई एक सौ पंद्रह हो गई अच्छा अगर तो आपकी मार्केट प्राइस बढ़ती है तो आपकी ऑप्शन की प्राइस भी बढ़ जाए लेकिन अगर प्राइस कम होती है तो ऑप्शन की प्राइस भी कम हो जाएगी और हाउ टू एडजस्ट अवर ऑप्शन प्राइस लेट सी दी अकाउंटिंग पार्ट ऑफ इट एक ही किताब में हम देखेंगे सर आपने ऑप्शन खरीदे तो मैंने वहाँ पर वर्ड यूज किया था इन्वेस्टमेंट तो यहाँ क्लियरली हम लिख रहे हैं कॉल ऑप्शन है इन्वेस्टमेंट ही लेकिन नाम दे रहे हैं हम कॉल ऑप्शन डेबिट कॉल ऑप्शन एंड क्रेडिट कैश अब तीस को जब उसकी वैल्यू कम होकर सौ रह गई तो तीन सौ रुपए का आपको स्ट्रेट अवे यहाँ पर लॉस हो गया क्योंकि चार सौ की इन्वेस्टमेंट सौ की रह गई तो ये लॉस तो आप बुक करें तो आप अनरियलाइज होल्डिंग गेन और लॉस डेबिट करें और कॉल ऑप्शन को क्रेडिट करें तीन सौ रुपये कम हो गए आप अच्छा उसके बाद सोलह अप्रैल को जाके फ़र्ज़ करें मजीद एक ट्रांजेक्शन हो जाती है और उसमें आपकी जो सौ रुपया बचा है ना आपका वो मजीद कम हो जाता है तो आपका साठ रुपये और कम हो जाएंगे क्योंकि प्राइस और कम हो गई इस तरह से आप देखेंगे कि जो आपका ऑप्शन की प्राइस है वो बढ़ती कम थी कम हो सकती है बढ़ती नॉर्मली नहीं है कमी होती है अगर प्राइस चेंजेस हो जाए तो तो अब आप देखेंगे उस दिन जब आप इसको ख़रीदने जा रहे हैं तो आपको प्राइस जो है आपकी 120 में तय और पंद्रह एक की है तो आपको अगेन लॉस हो गया पाँच हज़ार क्योंकि आपने एक में ख़रीदना है तो इस केस में आप देखें कि जब आप बेचने जाएंगे अपने शेयर्स तो आपको पंद्रह हज़ार में बेचेंगे और ये जो नुकसान है आपका वो भी आपको बर्दाश्त करना पड़ेगा ये जो ऑप्शन की प्राइस बची है ना आपके पास साठ ये भी आपका नुकसान हो जाएगा क्योंकि इसको डेबिट करके आपने जो पैसे आपको मिल रहे हैं वो पंद्रह हज़ार और साठ रुपये मिले यानी टोटल आप देखें कि आपने चार सौ से बिज़नेस किया और फिर आपने जो शेयर ख़रीदे और बेचें अपने ऑप्शंस में आपको जो नुकसान या फ़ायदा हुआ है वो आप देख लें कि जमा कर लें इन सब को एड ऑन कर लें तो कॉल ऑप्शनस जो हैं अगर आप थर्टी मार्च तक जाए थर्टी अप्रैल तक जाएंगे तो चीज़ों में और चेंजेस आएंगे यानी जो जो प्राइस में चेंज आएगी आप देखेंगे कि ऑप्शन की प्राइस भी और आपका नफ़ा नुकसान जो है वो भी बढ़ता या कम होता चला जाएगा तो दिस इज़ हाउ द प्राइस ऑफ ऑप्शन विल आल्सो बी एडजस्टेड अकॉर्डिंग टू द चेंज इन द प्राइस ऑफ द शेयर अगर प्राइस ऑफ़ द शेयर में चेंज आ रही है तो आपके ऑप्शन की प्राइस में भी चेंज आ रही है और ये जो चेंज है अगर बढ़ रहा है ऑप्शन तो उसमें फ़ायदा है लेकिन कम हो रहा है तो नुकसान है और ये नुकसान अल्टीमेटली आपको बियर करना पड़ता है लेकिन एड अगर आपको शेयर ख़रीदते वक्त फ़ायदा हो जाता है तो ये नुकसान ऑफ सेट हो जाता है तो डिपेंड करता है कि आपका नफा नुकसान कितना हुआ ये जनरल एंट्रीज वगैरह हम नॉर्मली नहीं सिखाते बच्चों को लेकिन मैंने सिर्फ यहाँ समझा दिया कि हाउ वी रिकॉर्ड इन द बुक ऐसा नहीं है कि जबानी कलामी चल रहा है सारा कुछ नो no. अगर हम ऐसे देखें ये कंपनी थी कंपनी की बात है तो कंपनी तो कोई भी चीज़ करेगी तो वो ब्लैक एंड वाइट में करेगी तो जो उसने ऑप्शन खरीदे उसको भी रिकॉर्ड किया ऑप्शन की प्राइस में कमी आई तो उसको भी रिकॉर्ड किया और फिर जब शेयर की बात आई उसमें अगर प्रॉफिट हो गया तो उसको भी रिकॉर्ड किया लॉस हो गया तो उसको भी रिकॉर्ड करना है तो ये टोटली आप बुक्स में लेके जाएंगे और फाइनली देखेंगे कि जब आपका डे आएगा जब आपने शेयर ख़रीदने हैं उस वक़्त आपको नफा नुकसान होता है वहाँ पर फिर आप कंक्लूड करेंगे कि अल्टीमेटली हमें नुकसान हुआ या फायदा हुआ दैट्स हाउ बेसिकली दिस ऑप्शन थिंग्स गोइंग ऑन लेकिन जैसे मैंने शुरू में कहा कि तो वेरी ट्रिकी बिजनेस इसमें एज सच नहीं जाते जंप नहीं करते हैं ये वही लोग करते हैं जो बड़े एक्सपर्ट हैं जिन्होंने इसमें नफा नुकसान बैलेंस आउट करना होता है जैसे मैंने कहा ना कि आप ट्रेड ऑफ भी कर सकते हैं यानी आप किसी स्टेज पर अपने आप को विड्रॉ कर सकते हैं क्योंकि ऑप्शन होल्डर के पास ये राइट right होता है कि वो फॉर गो करें और अपना नुकसान जो उस वक्त तक का हो गया उसको बर्दाश्त कर ले ऑनवर्ड नुकसान ना होने से बच जाए तो ये ये है कि ऑप्शन में जो कॉल ऑप्शन है वो अपनी पोजीशन को विड्रॉ कर सकता है और जो कॉल ऑप्शन की प्राइस है वो आपका नुकसान हो जाएगा मैक्सिमम तो ज़्यादातर लोग जो हैं इसमें सेट ऑफ ही कर लेते हैं यानी बाइंग और शेयर के क्षेत्र में पढ़ते ही नहीं हैं बस वो देखते हैं कि कैसे हमें कितना बच रहा है तो वो आपस में तय करके एक डील को फाइनल कर लेते हैं यानी नॉट नेसेसरली कि वो लास्ट डेट तक ही जाए क्योंकि एक टाइम फ्रेम है ना उस टाइम फ्रेम में आप देखें क्या मूवमेंट आ रही है और किसी स्टेज पर भी आप बैट कर तय करें और सेटल कर लें किसी को फ़ायदा है तो वो फायदे में चला जाएगा नुकसान है तो नुकसान हुआ लेकिन ये म्यूचुअली एग्रीड है क्योंकि ये इसमें आपने ऑलरेडी एंट्री डाली हुई है और एंट्रीज को फिर एट द एंड ऑफ द डे क्लोज करना ही होता है और बैलेंस शीट और इनकम स्टेटमेंट में ले जानी पड़ती है दैट इज हाउ बेसिकली ऑप्शन थिंग इज टेकन केयर थैंक यू वेरी मच